के जो आज कितने सालों से अपना स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, मैं आज 37 साल से रोटरी में हूँ, बट मैंने आज तक सुना नहीं है कि एक आदमी, इट इज ए वन मैन इंस्टीट्यूट, कि सबके स्वास्थ्य के लिए कुछ करता रहे। मैं जिस तरीके का काम कर रहा है बहुत बहुत सराहनीय है, मुझे भी उसके साथ जुड़ने का लास्ट 8 साल से अपना मौका मिला है, बट मैं देख रहा हूँ एवरी ईयर, अभी पिछले साल से कैसे दूसरा कैंप उससे भी बड़ा सक्सेसफुल जावे, उसके लिए प्रयत्न करते रहे। उसमें धीरज कुमार जी जैसे महान एक्टर डायरेक्टर और अपना प्रोड्यूसर जुड़े। इस साल हमारा सौभाग्य है कि गणेश आचार्य जी, उनका फाउंडेशन भी इसके साथ जुड़ा है। तो सच्ची जैसा धीरज कुमार जी ने कहा, इस टाइप का 5 times मोर होना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट क्या ये 5 times सक्सेसफुल होगा इस टाइप का जो मेडिकल कैंप होगा, फ्री कैंप। रोटरी आज 118 साल जुड़ी इंस्टीट्यूट है, आज वर्ल्ड की सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट रोटरी और लायंस है। आज मैं रोटरी का एक पता तो बॉम्बे में खाली 111 क्लब है। आज मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते बहुत ही रोटरी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके का काम रोटरी कर रहे हैं उसी काम डॉक्टर धर्मेंद्र ने उठाया है स्वास्थ्य का। ने रोटरी को बहुत आनंद होगा कि चलो उनके साथ जुड़ने के लिए। ने मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बॉम्बे की 111 क्लब, सब क्लब को इसमें ज्वाइन करेंगे और इसको जितना सक्सेसफुल होगा उतना सक्सेसफुल होगा और रोटरी का कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं महेंद्र भाई को भी चाहूंगा कि अभी फिलहाल रोटरी के प्रेसिडेंट होने के नाते हैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण। और एक्चुअली डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ मेरा कम्युनिकेशन पिछले 1 साल से हो रहा है तकरीबन। उनके पहले मैं इनके शिविर में नरेश भाई के तरफ यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द सम कैंप्स एंड स्टॉल्स एंड ऑल दैट, पर जब से उनसे मिला हूँ सबसे पहला उन्होंने अच्छा काम किया कि वो हमारे क्लब के सदस्य बन गए और ही इज ए स्टार मेंबर इन अवर क्लब। ही हैज बीन टेकिंग अप एवरी एस्पेक्ट व्हिच कैन एनहांस द रेपुटेशन एंड द वर्किंग ऑफ अवर क्लब। आते ही उन्होंने हमारे क्लब्स के द्वारा 2 एम्बुलेंसें जो जू बीच पे खड़ी रहेगी वो प्रोजेक्ट को ओके किया एंड नाउ दैट इज अंडर प्रोसेस एंड वेरी शॉर्टली इट विल बी इंस्टॉल ऑन द जू बीच वन एट सैंडल रोज एंड वन एट पासो। सो दैट इज द ग्रेट थिंग यू हैव अंडरटेकन। एंड सेकेंडली आई हैव प्रॉमिस्ड यू एनीथिंग यू टेक अप वी एज ए क्लब, I as a president am always there with you,
So whatever you required to be done from the club, it will be done with your signal word. Thank you. मैं बता दूं कि हमारे महेंद्र भाई का कहना यह था कि हम लोगों ने मिलकर के तय किया कि जुहू पर आए दिन वर्सोवा बीच पर आए दिन एक्सीडेंट की घटना सुनने को मिलती रहती है, कुछ बच्चे पानी में बह गए, किसी को जेली फिश ने काट दिया, किसी को ये तमाम तरह के ये, क्योंकि मैं पिछले 20 से 22 सालों से जुहू बीच का वॉकिंग ग्रुप में का एक पार्ट सदस्य रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं बार बार सुनने के कारण से हम लोगों ने तय किया कि इस साल के अंदर अंदर दो कार्डियक एम्बुलेंस जो कि हम दोनों ने मिलकर के ये करेंगे, डॉक्टर त्रिशिक सिपाही इसको मैनेज करेंगे, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसको तुरंत उसको कार्डियक सुविधा दे करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मा लेती है। तो वो एक जुहू बीच के पुलिस स्टेशन के पास एक खड़ी रहेगी और एक वर्सोवा बीच पे जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ उसकी, ताकि दोनों बीच को लोगों में किसी तरह की अगर हादसा छोटी मोटी हो जाती तो उनको सुरक्षित जगह पर कैसे लेके जा सके, ये रोटरी और डॉक्टर से सिखाई मिलकर करने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इनिशिएटिव को हमारे वाइस चांसलर जी शेट्टी साहब भी इतना बड़ा लेके काम कर रहे, मुझे मालूम है मैं कम से कम 11.5 लाख गर्ल चाइल्ड और वुमन को अभी तक इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी भी आंध्र प्रदेश में चलते फॉर सेल्फ डिफेंस। सो मेरे को पता है इसका काम का कितना डिफिकल्ट होगा, बट उसको इतना आसानी तरीके से आप लोग करते जा रहे हो, और मेरा टोटल 23 स्टेट में मेरा चीता जीतकुंडो का फॉर्म है, मेरा जितना भी हेल्प हो जितना भी लोगों को इकट्ठा करना हो जस्ट ए फोन कॉल आपका साथ में हमेशा रहूंगा। थैंक यू। मैं हमारे यूनिट डायरेक्टर अविनाश को मैं चाहूंगा कि दो शब्द रखें और कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे बताएं। धन्यवाद धन्यवाद सर, और धीरज साहब का और आपका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। दोनों बातों पर इतना धनी है कि बाकी लोगों को बोलने का मौका मिलता नहीं है, और बोलने के लिए अगर चाहेगा भी सोचना पड़ता है बोलूँ क्या मैं और इस बार बहुत खुशी की बात है, गणेश जी हमारे साथ में मिले हुए, धीरज साहब पहले से जुड़े हुए हैं, संगीता जी पहले से जुड़े हुए हैं, मैडम अभी है अपना बातों से अभी सब तो भूमिका कर दिया अपना गाना से शेट्टी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे खासियत मेरा जो डायरेक्टर है तिजोरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए, इससे बड़ा खुशी और हो नहीं सकते हैं। ये हमारा जो तीसरा साल का बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर है, और इस बार बहुत धूमधड़ से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करेंगे, क्योंकि इतना लोगों का हाथ है अभी हमारे साथ में, इसके लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेजेंड एक्टर दीपक जी को मैं चाहूंगा कि दो शब्द रखें। ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है, और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे मिला गया था, आई वाज लुकिंग क्वार्टर, बट इस साल मुझे पता चला तो आई डेफिनेटली वांटेड टू जंप इन टू इट, आई विल डेफिनेटली बी देयर। और धीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं, मास्टर जी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो। और मेरे और भी अजीज यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, अन्ना जो जिनके साथ में मैंने दो लफ्ज़ों की कहानी फिल्म बनाई थी, और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। सो आई रियली एंजॉयड वारिस जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक हमारी इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज वन मैन हु इज नोइंग एवरीबॉडी पर्सनली
and I think this is a very good thing that he is a part of this organization now. And इस time का आपका जो है वो शिविर definitely successful, बहुत ज़्यादा successful. So I'm happy to be here. I'm here to support everybody here. And हमारी industry के कई ऐसे workers हैं जिनको ये facilities की इतनी ज़रूरत होती है. तो मैं समझता हूँ I think this is a wonderful cause and I'm very happy and congratulations that you've been doing it successfully for the last, this is the third year now. So I hope this continues and it just goes on and on. Thank you. आपका सहयोग देंगे फिर दोबारा कहूँगा डॉक्टर साहब की तरफ से कि मीडिया फ्रेटर्निटी के फैमिली के लोग लास्ट टाइम में देख रहा था कुछ कम आए थे मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मीडिया फ्रेटर्निटी की जो फैमिलीज है आपके पेरेंट्स हैं आपकी वाइफ है बच्चे हैं आप उनको भी देखिए डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू दिस पिछली बार मैंने देखा कि जिस हिसाब से मैंने मेडिसिन मंगवाई थी तकरीबन हमने 2 से 2.5 करोड़ की मेडिसिन मंगवाई थी जो 50 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं बढ़ पाए क्योंकि जो तादाद थी काफ़ी कम रही हमें वो अराउंड 70% मेडिसिन मुझे वापस करने पड़े क्या अध्यक्ष साहब जी बिल्कुल ये एक अच्छी बात कही जो आप लोगों को एक मार की बात है मेडिसिन जैसे आप समझते हैं कि जो वेलविशर्स हैं जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके चेयरमैन हैं तो वो जितने भी हमसे जुड़े रहते हैं वो लोग जो मेडिसिन देते हैं हम जब बच जाते हैं तो धर्मेंद्र जी का पहला असूल जो होता है वो तो तमाम मेडिसिन वापस उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चले जाए कभी हम ये नहीं करते कि मेडिसिन को रखा जाए या अगले साल उसका उपयोग किया जाए तो अच्छा प्लीज कर दो नहीं क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि बॉम्बे में जगह की सबसे बड़ी कम तो इसलिए रखे कहाँ तो इसलिए हम भी वो मेडिसिन वापस कर देते हैं कि ताकि उनको विश्वास हो कि इतने बढ़े उसके बाद से उसके हम वापस करते हैं एंड अभी आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने लाइन पर लिया था उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस कार्य में किसी तरह के स्वास्थ्य मंत्रालय के जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो साथ है और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने पंडरपुर में 11 लाख पेशेंट देखे 11.5 लाख मंत्री जी ने भी क्योंकि मैं और स्वास्थ्य मंत्री एक 2 साल पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बॉन्ड हम लोगों ने साइन की कि महाराष्ट्र के हर उन इंटीरियर में जहाँ भी स्वास्थ्य की जरूरत है आर के चाहिए एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर डॉक्टर उन हर एक हम लोग बॉम्बे में हैं हालांकि बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि इंडिया के सबसे मोस्ट प्रोफेशनल जगह है बॉम्बे जहाँ की ये सुविधा है लेकिन इंटीरियर में बहुत ही तकलीफ है जो कि हमने इतने सारे कैंप्स किए जैसे तारा जी ने बताया गया कि हम लोगों ने 22-23 नवंबर को पंडरपुर में हम लोगों ने तकरीबन 3.5 लाख पेशेंट देकर के हम लोग नाम दर्ज किए वो नाम दर्ज करना हमारा इशू नहीं था हम लोगों ने किया इतना बड़ा हुआ कि हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने एक सुरक्षा सर्टिफिकेट दे दिया वो अच्छी बात है लेकिन अभी तक इतना कैंप हमने तकरीबन 15 से 20 स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमने जो भी कुछ एज एडवाइजरी के तौर पर या किसी न किसी रूप में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ लेकिन जितना डायनेमिक डेडिकेटेड स्वास्थ्य मंत्री ये डॉक्टर तानाजी राव सावंत है उतना अभी तक हमने इतना डेडिकेटेड हमने नहीं देखा जिसका नतीजा है कि मैं जो भी उनके साथ कोई प्लानिंग करता हूँ किसी न किसी स्वास्थ्य के रूप में यहाँ के लोगों के लिए महाराष्ट्र के किसी कोने के लोगों के लिए वो हमेशा हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश जो भी हम मैं चाहते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए तो कोशिश करते हैं मिल बांट करके उसका डिस्कस करते हैं और तिवारी जी मैं वादा करता हूँ आपको कि आपके जितने भी टीम है चाहे जितने एसोसिएशन के हो एलाइड हो या फेडरेशन हो जितने भी चाहे वर्कर्स हैं किसी को हम मेडिसिन के अभाव में जाने नहीं देंगे हम कितने मेडिसिन के साल के बाद अक्सर हमारे खान पान अच्छी नहीं होने कारण से समझ बूझ अच्छी नहीं होने कारण से आंखों की बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ भी देख रहे हैं कि ये आंखों की रोशनी में काफ़ी असर आने लगती है तो हम हमेशा की तरह इस बार भी हमें चश्मे की सभी तरह के रीडिंग ग्लास के साथ साथ नंबर वाले ग्लास का हमने उपलब्धता रखी है ताकि किसी को रोशनी में कमी ना आ सके
तो मैं चाहूँगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट वहाँ आएंगे। जैसे पिछले साल भी हम लोग किया था, उसके पिछले साल भी किया था, और अभी हम लोग 15 करोड़ मतलब 5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने चश्मे बांटे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आँखों की रोशनी भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसे अच्छी तरह देख करके और अच्छी तरह काम में सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे तादाद में आए, ताकि अच्छा एक और अच्छी बात है, मुंबई के जितने भी ऑलमोस्ट बड़े हॉस्पिटल हैं, लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, जस्ट्रोक, पुलिस कैंडी से सबसे ये आश्वासन आया है। हालांकि पिछले साल भी सारे डॉक्टर्स आए थे, पंडरपुर में गए थे, इस साल भी सब भी बढ़ चढ़ करके आने के लिए आपने हामी भरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी बड़े फीस लगते हैं जाने के लिए, वो चल करके फ्री में एक दिन के लिए सेवा देने के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट लें, चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर त्रिशिक सिपाही का एक ही नारा, स्वस्थ बॉलीवुड, स्वस्थ प्रदेश हमारा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है सर, एक दिन के कैंप के बाद अगर किसी को फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या किसी तरह की सर्जरी की जरूरत होती है, तो क्या आप लोग उसके लिए भी मदद करेंगे? इससे पहले डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दें, हमारी एक बार मेहमान आ गई है, पूरी कंट्रोल रिहाई का जॉइंट्स। हाँ डॉक्टर साहब, अभी अगर सवाल का जवाब दीजिए। वहाँ हमारे देखिए, हमारा प्रोसेस होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, जो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं और वो मेडिसिन लिख देते हैं, उसके बाद वो फर्दर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो जितने भी आई न्यूरो न्यूरो गायनेक टीएनटी जितने भी कंसल्टेंट हैं, 22 तरीके के कंसल्टेंट रहेंगे, वो उनको लगता है कि इनको मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उनका पूरा लिस्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाता है, और उस कैंप के बाद उन पेशेंट को बुला करके जहाँ जिस तरह के ये सुविधा मुहैया करा करके उनको स्वस्थ कर सकते हैं, ये 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके हम उनको स्वस्थ करते हैं। वैसे ही मेडिकल केसेज, जैसे 2 तरह केसेज आते हैं, एक मेडिकल, एक सर्जिकल। सर्जिकल में ऑपरेशन, कैटरेक्ट से लेकर के हार्ट, किडनी, घुटने की सर्जरी, ऐसे 1000 से ज़्यादा तरह की सर्जरी वहाँ आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह के भी लोग उस सर्जरी के बेनिफिट लेने वाले अगर आइडेंटिफाई होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर सर्जरी करा के उनको मुकम्मल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे ही मेडिकल में किसी को HIV, TB, जॉन्डिस तरह के जो मेडिकल केसेस होते हैं, उनको भी वही लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में, और 4 दिन का कार्ड बनेंगे ही, तो 5 लाख से ज़्यादा तक की ट्रीटमेंट उनको हमारी टीम जहाँ उनको हम गाइड करेंगे, वहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर के उनको सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में ये कैंप का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो है कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे पेशेंट थे कि जो शिविर में नहीं आ सके थे, मगर उनको व्हील चेयर की जरूरत थी, हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर धर्मेंद्र ने परमिशन दिया, जब उनको हम हैंड ओवर उनके घर जाकर किए तो उन्होंने इतनी तमाम दुआएं दी, इससे लगा कि मैं ये बात नहीं बताता हूँ तो अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर 365 जो कैंप है उन लोगों के लिए है, जो फिजिकल वहाँ आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं अपना नाम और अपना आधार कार्ड भेज करके, क्योंकि चलने में उनको दिक्कत है, गरीब लोग हैं, वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ें, टैक्सी पकड़ें, ऐसी भी सुविधा है कि उनको व्हील चेयर दिया गया। वैसे मैं आपकी बात से खुद सहमत हूँ, इस बात का मुझे भी एहसास है, और संगीता इसके बाद ज़्यादा नहीं कॉन्फ्रेंस को बढ़ाएंगे, संगीता भी इस बात की गवाह है, बहुत सारी कुछ व्हील चीज रह गई थी, संगीता ने भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो बचने के बाद बराबर वो व्हील चेयर दिए गए थे, एंड देन आई थिंक संगीता हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर साहब इसके बाद उस तरह का फंक्शन होगा, चले गए हम अपने घर से, तैयार तैयार होकर सूट वूट पहनेंगे, साफ फंक्शन में पहुंच गए हैं और फंक्शन हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मकसद है। फंक्शन और मकसद में बहुत फर्क होता है, और जब इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो वो मकसद पूरा करके ही छोड़ता है,
और परमात्मा भगवान गॉड ऊपर वाला भी इसका साथ देता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक अच्छा काम किया, साहब मान लीजिए अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो इन्होंने लक्ष्य को नहीं बदला बल्कि अपने प्रयत्नों को बदला है। लक्ष्य पाने के लिए आप अपने प्रयत्न कायम रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, अपने लक्ष्य को नहीं बदले लेकिन कोशिशों को तो माइक की बात कर दो। और आज हमारे साथ बड़े फख्र के साथ कहूँगा कि गणेश जी जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और भाई जैसे माता है जुड़ गए हैं, तो यह तिवारी साहब हमारे साथ बरसों से हैं, गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आज का ये जो महा आरोग्य शिविर 28 जनवरी 2024 को होगा यकीनन एक बहुत बड़ा शिविर होगा। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही हम हेल्थ कार्ड जो है दे पाए थे, मगर आज अगर आप कहें तो ये 5 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 7 लाख रुपए तक का 5 लाख का हेल्थ कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी रखा है। तो ये आप तमाम लोग इसको नोट करिए कि आपने अपनी अपनी एसोसिएशन के द्वारा अपने आधार कार्ड जरूर भेजने हैं, एक नंबर दे दिए जाएंगे आपको और उस पर आप भेजिए ताकि बहुत ही सहूलियत के साथ एक काम हो सके। सो इस लक्ष्य में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जाहिर सी बात है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सभी नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस दिन आएंगे उसमें से सिंगर्स भी हैं, प्लेबैक सिंगर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं और उन्होंने अपनी बाइट्स भी भेजी हैं, तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे साथ इस साल से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथ साथ हमारी पद्मश्री सुमा घोष जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शेरी सवाल भी जुड़े हैं, तो जुड़ने का मतलब सर ये नहीं है जैसे मैंने कहा था कि सूट पहन के आ गए, बल्कि योगदान भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना योगदान के यह मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो योगदान आपका स्वयं का, प्लीज क्रिएट एन अवेयरनेस, अवेयरनेस नॉट ओनली मुंबई, क्रिएट अवेयरनेस वेयर एवर यू आर फ्रॉम एनी मीडियम, आप जो भी मीडियम से अवेयरनेस क्रिएट करिए कि एक ऐसा मकसद है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है, मीडिया के लोगों के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए है। शायद पिछले साल हमसे कुछ त्रुटियां रह गई हों, इंसान है हम भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस साल आप लोगों के सहयोग से त्रुटियां कम हो और हम और आगे बढ़े। तो लेट इट बी अ ग्रेट सक्सेस एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू टू बी विद अस एंड आई हैंड ओवर द माइक टू दिस माय ब्रदर गणेश आचार्य। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया और सब तो इन्होंने कह दिया, मैं दो ही बात कहूँगा कि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे ख्याल से मैं कुछ 10 साल का था तब से देख रहा हूँ इंडस्ट्री, तो जो मेरे बहुत नज़दीक थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, फाइटर थे, डांसर थे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, ये असली कलाकार है क्योंकि इन लोग अपने बॉडी से काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसी तरह काम करते हैं और आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उनको 5 और 2 7 लाख का हेल्प हो रहा है मेडिकल कार्ड से और एक्सपीरियंस से, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है, जितने टेक्नीशियंस हैं, डांसर, फाइटर, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, डॉक्टर से पता हो, ये प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, इवन आप भी, आपके साथ फैमिली भी है उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर मेरी बात आप तक जा रही है तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतने इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यही है, डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, आर्ट डिपार्टमेंट, जितने लोग हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं शुक्रिया बोलूँगा आपका कि आपने ये कदम उठाया और उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी कह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गणेश भाई। अब मैं हमारी पद्मश्री सुमा घोष जी उनसे गुजारिश करूँगा। और डॉक्टर्स के लिए मैं कहूँगी
अगर मैं सिंगर नहीं बनती तो मेरे बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट हूँ म्यूजिक में, और मैं संगीत से चिकित्सा करती हूँ, इस पर मैंने रिसर्च किया और मैं इस पर इस संगीत से आपका मदद करूँगी। कोई पेशेंट जो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो मैं गाना सुनाऊंगी, क्योंकि मैं घटना बता रही हूँ, एक छोटी सी घटना हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं। मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जब जुगलबंदी संसद में होने की बात हुई, इसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों आने वाले थे, तो वहाँ से खबर आया कि बिस्मिल्लाह खान साहब को तो हिट स्ट्रोक हो गया है, सुनाई दे रहा कि वो अब तब में है, कभी भी गुजर सकता है, और इतना बड़ा आयोजन जो संसद में पहली बार हो रही है, क्या हो रहा है, उनका कुछ हो गया था, तो तुरंत फ्लाई की और जाके मैंने देखा बनारस में काफी हफ्ती चालू हो रहा है, वो एकदम पूरा जैसे लग रहा है कि मृत है, जान है ही नहीं शरीर में, तो मेरे बैग में ना वॉकमैन था और उनका ही बजा हुआ शहनाई और मिलाद खान साहब का ड्यूएट था। मैं समझी क्या मैं करूँगी, वाकई ये जा नहीं पाएंगे, सब कर मैंने कान में लगा दिया da 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 अपना छोटा से छोटा
से बहुत शुक्रिया। मैं अभी ये माइक जो अपने हमारे लिए तिवारी साहब हैं उनको देना चाहूँगा। तिवारी साहब आपको दो शब्द एक शब्द तीन शब्द जो जैसा मुनासिब लगे आप। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये बहुत बड़ा शिविर होने जा रहा है, इसमें डॉक्टर 360 भाई धर्मेंद्र कुमार जी, धीरज कुमार जी, गणेश आचार्य जी, इसके अलावा चौकसी साहब हमारे साथ बैठे हैं, पद्मश्री सोमा घोष जी हैं, दीपक तिजोरी जी आ गए, सारे गणमान्य लोग हैं। सेठी साहब को भी देखा, बरसों बाद मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि बॉलीवुड की तरफ से फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इसमें लाखों वर्कर टेक्नीशियन और आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उन तमाम जरूरतमंदों को मैं आप तक पहुंचाऊं, उस शिविर का हिस्सा बनाऊं। डॉक्टर धर्मेंद्र अब तक जो भी काम किए हैं सब गिनीज बुक के लायक है। ये जितने काम अब तक होते रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, पिछला जो शिविर था उसमें मैं खुद साक्षी था, मैं सुबह से शाम तक शिविर का हिस्सा था। मुझे लगा कि मैंने थोड़ी मेहनत कम की थी, तो इस बार वो कमी नहीं रहेगी। मेरा दावा है कि इनकी दवाएं कम पड़ जाएंगी, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, लोग ज्यादा रहेंगे। हमारी शुभकामना भी है और आप सबका सहयोग है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहता। थैंक यू। ये मुझे डरा रहे हैं। तीन दिनों लेकर के फिर से महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कृतिमान रचने का काम किया, और जो वर्करी पूरे साउथ जोन से लेकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से चलकर के आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको श्रद्धा में किसी तरह की कमी न रह जाए, उसको हम लोगों ने इसलिए हम लोगों ने टाइटल दिया पंडरपुर की वारी हेल्थ की वारी, ये हम लोगों ने स्लोगन दिया। और इसमें हम लोगों ने पंडरपुर में हम लोगों ने जो जून में एक बहुत बड़ा मेला लगता है उसमें हम लोगों ने 11,64,000 पेशेंट देख करके अभी तक हमने अपने लाइफ में सबसे बड़ा इतिहास रचने का काम किया। इसमें हम लोगों ने 5,80,000 सिर्फ चश्मे दिए और 13 करोड़ की मेडिसिन और तकरीबन 7,000 व्हीलचेयर लेकर के, और अभी भी तकरीबन उसमें 7,500 से ज्यादा लोगों के ऑपरेशन आइडेंटिफाई हुए। उस आइडेंटिफाइड ऑपरेशन के पेशेंट को हमारी टीम बुला बुला करके जो नियर में जो हॉस्पिटल है वहां उन लोगों को एक एक करके ऑपरेशन करा करके महाराष्ट्र के उन सारे लोगों को कैसे हम स्वस्थ कर सके और स्वस्थ भारत कैसे बना सके उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसी सिलसिले में ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर का 3रा साल है। कोरोना के बाद हमने 2021-22 में जो हमने शुरुआत की ये जर्नी को यहाँ तक लेकर के आए हैं, और इस जर्नी में इस बार हमारे साथ बॉलीवुड के एक डांस एसोसिएशन के महानायक कहे जाने वाले हमारे गणेश जी की हमारा सपोर्ट मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पहले की अपेक्षा इस बार हम लोग 5 times ज्यादा पेशेंट देख करके जो हमारे 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं उसी हिसाब से हम मेडिसिन, कल हम हेल्थ मिशन के साथ चर्चा कर रहे थे साहब को, उन्होंने बोला कि डॉक्टर धर्मेंद्र किसी तरह की अगर कमी पड़ती है आपके लिए तानाजी सावंत महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पे सभी लोग का क्या क्या योगदान है, मैं दो शब्द मैं पहले चाहूंगा कि धीरज जी 2 शब्द बोले, उसके बाद हमारे गणेश जी, हमारे वीर तिवारी जी जो कि फेडरेशन के सुपरस्टार हैं, जो कि फेडरेशन में सबसे ज्यादा आज तकरीबन मेरे ख्याल से
मजदूर क्लास के लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हर जो कार्ड धारक हैं जो कि फेडरेशन में के साथ एसोसिएटेड हैं उन सबको कैसे स्वस्थ किया जा सके। ऐसे ही हमारे गणेश जी के एसोसिएशन में जितने भी लोग चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो वो जितने भी हैं हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर सबको एग्जामिन करके हम वहाँ तत्कालीन जो भी मेडिसिन देना है दे सके, हम व्हीलचेयर दे सके, चश्मे दे सके। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए का हम स्वास्थ्य बीमा दे सके और 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी दे करके हम उन लोगों को कैसे स्वच्छता की तरफ लेके जा सके एंड स्वस्थ महाराष्ट्र, स्वस्थ बॉलीवुड एंड स्वस्थ भारत बनाने में इस महारोग्य शिविर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद।